हाय गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बढ़िया होंगे, आगे भी बढ़िया रहना। तो आज हम जाने वाले मोटा देवी को रात को, तो जाते जाते एक ब्लॉग बनाऊंगा, बड़ा बड़ा ब्लॉग बनेगा मेरा आज का, क्योंकि हम जा रहे हैं मोटा देवी को। नवरात्र अभी शुरू हो गई है, तुम्हें पता ही है। तो चलिए मिलते हैं ब्लॉग में। ब्लॉग में एंड तक बने रहना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। तो चलो ब्लॉग में मिलते हैं। तो आ गए हम मोटा देवी को, जा रहे हैं अभी। ये कमान है मोटा देवी की, तो आगे मंदिर भी है, वो भी दिखाऊंगा। अभी थोड़ा सा वीडियो कट करता हूँ। ये देखो, वो आपको दूर में ही मंदिर दिख रहा होगा, दूर से ही है, वही है मोटा देवी का मंदिर। हम हर साल आते हैं, क्योंकि नवरात्र को यहाँ पर भीड़ भी बहुत रहती है। आज भीड़ होगी या नहीं पता या नहीं, मगर नवरात्र शुरू है इसलिए भीड़ होगी। ये देखो, अभी फर्स्ट दिखने लगा है, अच्छा दिखने लगा है। अभी शायद वहां पर बहुत भीड़ होगी। वीडियो कट थोड़ा सा कट करूंगा मैं अभी, क्योंकि वो बहुत बड़ा हो जाएगा वीडियो। देखो अभी यहाँ पर मेला भी लगाया हुआ है, हमारी भाषा में जत्रा के बोलते हैं। और हम तीन लोग आए हैं, मेरे जीजा जी और एक छोटा भाई है, और मैं, तीनों लोग आए हुए हैं। यहाँ पर पब्लिक भी बहुत है वैसे, तो वो सामने दिख रहा है वो ही मंदिर है। तो मंदिर में अभी बहुत भीड़ नहीं, मंदिर में पता नहीं भीड़ होगी कि नहीं, मगर बाहर ही भीड़ है बहुत। तो आके चढ़ते थोड़ा सा। ये देखो, ये मेरे जीजा जी है, और वो सामने जा रहा है वो बड़ा भाई, छोटा भाई है, सॉरी छोटा भाई। ये देखो कितना अच्छा डेकोरेशन किया है इन लोगों ने इस साल, पूरे रोड में लाइट मारा लगा के रखी है। पीछे आर्मी बहुत थे यहाँ पर सुरक्षा के लिए, और वो रहे पीछे मेरे जीजा जी, और ये देखो आ गए। तो चलो चलते हैं मंदिर में। वहाँ पर चपला भी, यहाँ पर शूज छूटेंगे यहाँ पर ही, क्योंकि कोई भी किसका भी उठा के ले जाता है। ये देखो यहाँ पर शूज रखने के लिए जगह है, और शूज के लिए भी पुलिस है यहाँ पर। अभी ये मंदिर हम ऊपर जाने वाले हैं। अभी यहाँ पर पुलिस बहुत है, इसलिए पता नहीं वीडियो निकालने देंगे या नहीं, मगर कोशिश करूँगा वीडियो निकालने की। मेरा इतना फर्स्ट अच्छा पैसा आ रहा होगा, शायद अच्छा आ रहा होगा, क्योंकि मैंने माइक खरीदा है कल ही। ये देखो यहाँ पर ऊपर क्या चल रहा है, यहाँ पर सीसीटीवी भी है। नारियल, चलो आगे। वो लड़कियाँ सेल्फियाँ निकाल रही है यार, वैसे उनको भाव नहीं देना चाहिए। आगे चलते, बहुत सारी सीढ़ियाँ है यहाँ पर। एक बार मंदिर में घुसे तो मैं ही नहीं लगता कहाँ से कहाँ निकलते है। देखो यहाँ पर सारे भगवान की मूर्तियाँ रखी हुई है। ये देखो एक नाम नहीं लिखा इस पर, यहाँ पर पुलिस आ गई, शायद वीडियो बंद करना पड़ेगा। अभी बंद करके आई, यहाँ पर आगे पुलिस थी इसलिए यहाँ पर आई। ये देखो मोटा देवी का नाम, मोटा देवी मंदिर, अच्छा नाम दिख रहा है यहाँ से। भाई भी वीडियो नहीं कर रहा है अभी। ये देखो नीचे का नजारा, यहाँ से नीचे का नजारा पे मंदिर। अभी हम जाने वाले घर, क्योंकि बहुत घूम लिया यहाँ पर, अभी हम नीचे उतरेंगे। तो ये देखो मैं हूँ, ऊपर शायद पुलिस वाले चिल्ला रहे थे मुझे। भीड़ बहुत है यहाँ पर,
नीचे। कल को मैं शनि सिग्नापुर गया था, वो भी ब्लॉग डाला था, शायद किसी ने देखा नहीं, प्लीज़ उससे भी देख लेना। ये देखो ऊपर सीसीटीवी में, ऊपर वीडियो नहीं निकाल सका मैं, मगर यहाँ पर सीसीटीवी में दिखा रही है। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। हम नवरात्र में छठवीं माड़ को भी पैदल जाने वाले मोटा देवी को तब ब्लॉग बनाऊंगा। तो जय हिंद, जय भारत।